अगर आपका भी कार वॉशिंग, फैब्रिकेशन या फिर कार मॉडिफिकेशन का काम है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं मनदीप ब्लॉग्स। तो इस चैनल पे हम दोस्तों टूल्स से रिलेटेड वीडियो आते हैं, जिसमें मैं आपको सभी किस्म के पावर टूल्स, मशीन टूल्स और मशीनरीज के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों आज हम प्रोडक्ट लेके आए हैं एक कार पॉलिशर, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे काफ़ी भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भाई आप हेस्टन या ब्लैक एंड टाइगर में हमें एक अच्छा बढ़िया कार पॉलिशर दिखाएं, जिसमें स्पीड कंट्रोल जैसे फीचर भी हों और वो आप इसे प्रोफेशनली यूज़ भी कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हेस्टन्स ब्रांड का प्रोफेशनल कार पॉलिशर, जिसको आप कार पॉलिशिंग, टाइल पॉलिशिंग और फैब्रिकेशन में किसी भी तरह की आप पॉलिश के काम में, बफिंग के काम में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम बॉक्स को खोलते हैं, इसमें से सामान को बाहर निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले बॉक्स में मिलता है हमें एक बफिंग पैड, उसके बाद एक हमें डिस्क मिलती है दोस्तों, जिस पे ये बफिंग पैड या आप सेंडिंग, कोई भी हल्का फुल्का सेंडिंग करना चाहते हैं तो वो इस पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसका एक जे टाइप हैंडल मिलता है दोस्तों, जो इस पॉलिशर को और स्टेबल बना देगा जब आप काम करोगे। और एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है, तो आप यूज़ करने से पहले एक बार ज़रूर, किसी भी प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़र मैनुअल ज़रूर पढ़ें, काफ़ी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारा मेन यूनिट, जो कि है हेस्टन ब्रांड का एक कार पॉलिशर, तो इसको भी साइड पर रखते हैं, देखते हैं बॉक्स में और क्या है। तो बॉक्स में हमें एक बोल्ट और एक एलन की, जो इसके हैंडल को अटैच करने में हमारी हेल्प करेगी, वो मिलता है। और साथ में मिलता है दोस्तों हेस्टन की तरफ से एक वारंटी कार्ड, जो इस प्रोडक्ट के साथ आता है। तो बॉक्स को एक साइड पे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस सारे प्रोडक्ट को असेंबल करेंगे और एक सिंगल यूनिट बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। तो ये हैंडल है हमारे पास, तो हैंडल को बहुत ही ईजीली तरीके से हम यहाँ पर माउंट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के, कन्वीनियंस के हिसाब से। तो सिंपली एलन की से हम इस बोल्ट को यहाँ पर टाइट कर देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ का भी स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो उसके बाद दोस्तों बात करें इस तरफ, ये इसके स्पिंडल का लॉक है, तो स्पिंडल को हम इस रोटेट करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा। तो इजीली सिंपली हम इस डिस्क को यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा देंगे और ये यहाँ पर टाइट हो जाएगा। हमने इसके डिस्क को इस पे अटैच कर दिया है और अब हम इसका जो वेलक्रो वाला ये पार्ट है इसको लेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस डिस्क प्लेट पे ना यहाँ पे वेलक्रो अटैच है, तो आप जैसे कोई लाइट सैंडिंग करनी है आपने कार की, कुछ स्क्रैचेस वगैरह को निकालने के लिए छोटे नंबर का आपने रिगमर यूज़ करना है, या आप कोई स्टील की या कोई कॉपर की या फैब्रिकेशन में आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसने आपने उसकी पॉलिश करनी है, बफिंग करनी है, तो ये इस पर वेलक्रो लगा होता है। और कोई भी आप बफिंग टूल मार्केट से लेंगे तो ये बफिंग पैड हैं, इसमें कई नंबर के पैड्स आते हैं, तो आप कोई भी पैड लेंगे तो वो ईजिली, बस आपने यहाँ पर इसको इस तरह से अटैच कर देना है, तो आप रेडी टू गो हैं, आपका मतलब बफिंग टूल जो है वो रेडी है। तो ये था दोस्तों इसके फिटमेंट के बारे में। अब बात करेंगे कि इसमें आपको स्पेसिफिकेशन, जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो क्या मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये डिस्क है इसका जो डायामीटर है वो 180 mm है, तो 180 mm का आप इस पे सरफेस से कोई भी काम ले सकते हैं। इस मशीन में आपको मल्टीपल RPMs मिलते हैं, ये 0 to 2800 RPM तक काम करती है। मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा कि आप मल्टीपल RPM से इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और आपको इस मशीन को चला के भी दिखाऊँगा। और ये इसकी जो मोटर है वो दोस्तों 1500 वॉट की इसमें मोटर हमें देखने को मिलती है, जो कि 0 to 2800 RPM पे वर्क करती है। और नॉर्मल इंडियन कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं 220 वॉट्स और 50 to 60 हॉर्स पे ये वर्क करती हैं। तो इस तरफ हम देखेंगे तो ये हमें एल्युमिनियम, फुल एल्युमिनियम हेड मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पिंडल को लॉक करने के लिए स्विच दिया गया है। और इस तरफ बात करूँ मैं दोस्तों, तो इसमें हमें ट्रिगर मिलता है जो कि ईजीली हम यूज़ कर सकते हैं, और इस तरफ हमें ट्रिगर का लॉक मिलता है। और इसके जो कार्बन्स हैं
वो भी बाहर की तरफ दोनों लग जाते हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे मैं एक स्पीड कंट्रोल का स्विच मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो जहाँ पे स्पीड कंट्रोल के हमें स्विच मिल जाता है, और ये इसमें जो स्पीड की सेटिंग्स हैं वो 0 to 6 तक इसकी सेटिंग्स हैं, और इसमें जो अलग अलग RPMs हैं तो उनके बारे में आपको बताऊँगा कि अगर आप इसको एक सेटिंग, नंबर एक सेटिंग पर रखते हैं तो ये 600 RPM तक इसकी मोटर जो है रोटेशन देगी आपको, और अगर आप इसको दो नंबर की सेटिंग पे रखते हो तो 1000 RPM पे जो इसका हमें डिस्क साइज़ है वो घूमता मिलेगा। नंबर तीन की सेटिंग पे ये 1500 RPM तक वर्क करेगा, और नंबर चार और पाँच की सेटिंग पे 2500 to maximum 2800 RPM तक ये वर्क करेगा, और इसका हमें यहाँ पर चार्ट कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाता है। और दोनों तरफ यहाँ हेस्टन्स की ब्रांडिंग है, और इसमें एयर वेंटिलेशन का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है दोनों तरफ एयर वेंटिलेशन के लिए, कि मोटर आपकी हीट ना हो, तो उन दोनों का पूरा ध्यान रखा गया है। तो इसका जो वर्किंग है दोस्तों, हम इसको हैंडल से अपनी ग्रिपिंग के हिसाब से किसी तरह इस तरह यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही ईजीली अपना काम ले सकते हैं इससे। तो अब मैं पहले आपको इसको चला के दिखाऊंगा, इसका साउंड सुनाऊंगा। तो दोस्तों पहले मैं आपको इसको एक नंबर की सेटिंग है जो इसकी, उस पर इसका साउंड सुनाता हूँ, वो साउंड किस तरह रहेगा और इसकी रोटेशन कितनी रहेगी। तो अभी ये एक नंबर पे 500 RPM पे ये मशीन अभी काम कर रही है, और हम इजीली इसको यहाँ इस तरह से काम करेंगे। किसी भी सरफेस पे हम पॉलिश करना है तो बड़ा इजीली इसको यहाँ पे पॉलिश कर लेंगे। तो इसके बाद मैं आपको दो और तीन नंबर की सेटिंग की साउंड भी और रोटेशन भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारी मशीन दो नंबर रोटेशन पे काम कर रही है, और अब ये तीन, और इसके बाद आप समझ सकते हैं, मैं आपको फुल जो इसका 2800 RPM का रोटेशन है वो भी मैं आपको साथ में दिखाता हूँ। और मान लीजिए आपने इससे कंटिन्यूसली कोई काम लेना है तो सिंपली आप इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे और ट्रिगर करेंगे। तो नॉर्मली दोस्तों मार्केट में होता क्या है कि हमें मिल जाते हैं देखने को कि 2800 RPM है, बट उनकी जो 2800 RPM की रोटेशन, RPMs क्या होते हैं, रोटेशन पर मिनट, जो इसके डिस्क की रोटेशन है एक मिनट में, मतलब अब हम 6 नंबर स्पीड पे इसको चला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 2800 बार ये व्हील एक मिनट में घूमेगा। तो मोस्टली मैंने दो तीन प्रोडक्ट ऐसे भी देखे हैं जिनका भी रोटेशन 2800 है, बट वो एक्चुअल में स्पीड 2800 नहीं होती। और दूसरा इसमें मैं आपको एक डिस्क्लेमर, मतलब ध्यान रखने वाली बात ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी इसका यूज़ करते टाइम, जैसे आप अभी 6 नंबर पे इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी चलते टाइम इसको जब रोटेट हो रहा है तो उसी टाइम इसकी स्पीड कम या ज़्यादा ना करें, मतलब उससे क्या है कि आपकी मशीन लॉन्ग टाइम वर्क करती है, उसके एकदम मोटर के RPMs हैं वो रनिंग में ही चेंज नहीं होते। जैसे हम गाड़ी भी है, गाड़ी को भी अगर गियर डाउन या अप करते हैं तो क्लच लगाने के बाद ही गियर उसका डाउन या अप करते हैं, तो उसी तरह से इसका दोस्तों वर्क है। तो बाकी इसके जो प्राइस की डिटेल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा गुडविल मशीन टूल्स लुधियाना की तरफ से, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। और दूसरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आने वाले कुछ दिनों में हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट लेके आ रहे हैं जिसमें आप इन किसी भी प्रोडक्ट को अपने वहाँ से ऑर्डर बैठ के कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। अब मेरे को मालूम है मेरी सभी वीडियोस में भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि कहाँ से परचेज़ करना है, कैसे परचेज़ करना है, तो थोड़े से कारण है इस सिचुएशन जो है पैंडेमिक की सिचुएशन में, लॉकडाउन है कुछ इलाकों में, तो कुरियर सर्विस की सेटिंग हमारी नहीं हो पा रही, तो थोड़ा सा वेट करें। हम एक वेबसाइट लेके आ रहे हैं जिसमें हमारी कोशिश है कि आप हमें प्रोडक्ट ऑर्डर करें तो हम आपको बहुत सेफ और सिक्योर तरीके से उन प्रोडक्टों को डिलीवर करें, कोई रास्ते में कोई आपको डैमेज प्रोडक्ट ना मिले, तो थोड़ा सा हमारे साथ वो इंतज़ार करें। बाकी नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उनके बाद भी अगर आपको किसी तरह की भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको इमीडिएटली बेसिस पे उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर आ रहा है, तो आप उसको फॉलो कर लें, तो कोई भी सवाल हो मेरे को वहाँ पे आप दे दें। और वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ भाई हैं जो हमारी वीडियो सभी देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, और नए नए टूल्स लेके आने के लिए हम इंस्पायर होते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, और मिलते हैं इसी तरह के किसी और टूल्स के वीडियो में। टिल देन गुड बाय।